हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस का क्लास है। ओके, अगर आप एसटीईटी अगर या फिर बीपीएससी टीआरई कंप्यूटर साइंस की क्लास करते हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो क्वेश्चन नंबर 10 तक कल डिस्कस हो गया था, ठीक है। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ये रहा है, विच प्रोवाइड्स ए पाथ टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी। तो दिए गए ऑप्शंस में से जो है कौन सा जो है वो पाथ प्रोवाइड करता है, कौन ऑप्शन जो है इसमें से जो पाथ प्रोवाइड करता है डेटा ट्रांसफर सीपीयू और मेमोरी के बीच में। तो ऑप्शन है कंट्रोल बस, ऑप्शन बी है एड्रेस बस, ऑप्शन सी है डेटा बस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा डेटा बस, ठीक है। यानी कि डेटा बस जो है एक पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर के लिए। डेटा बस जो है एक पाथ प्रोवाइड करता है सीपीयू और मेमोरी के बीच में डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। तो इसका डिस्कशन देखिए, द डेटा बस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड द मेमोरी, ठीक है। तो डेटा बस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू और मेमोरी के बीच में, ठीक है। मेमोरी बोले तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी होगा, यानी कि रैम होगा। और सीपीयू का फुल फॉर्म तो आप लोग जानते ही हैं कि सीपीयू जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जिसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। सीपीयू को हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं, सीपीयू को जो है हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और रैम के बारे में सभी लोग जानते हैं कि रैम जो होता है वोलेटाइल इन नेचर होता है, अगर पावर कट होगा तो हमारा सारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डेटा बस के बारे में, इट कैरीज द एक्चुअल डेटा बीइंग प्रोसेस्ड और एक्सेस्ड बिटवीन दीज टू कंपोनेंट्स। तो ये डेटा बस जो है सीपीयू और मेमोरी के बीच में जो है जो एक्चुअल डेटा जो है प्रोसेस होने वाला है या फिर जो एक्सेस्ड होने वाला है, इसे जो है ये कैरी करता है। अब है एड्रेस बस, हमारे ऑप्शंस में था ना एक एड्रेस बस, तो एड्रेस बस को अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि एड्रेस बस क्या होता है। तो ऑन द अदर हैंड एड्रेस बस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मेमोरी एड्रेस टू स्पेसिफाई वेयर डेटा शुड बी रीड फ्रॉम और रिटर्न टू, एंड द कंट्रोल बस कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डेटा बस के बारे में देखा था, तो डेटा बस जो है डेटा ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बिटवीन द सीपीयू एंड द मेमोरी। तो सेम उसी तरह जैसा कि नाम से ही लग रहा है एड्रेस बस, तो हमारा एड्रेस बस जो है ये मेमोरी एड्रेस को कैरी करेगा, ठीक है। तो हमारा एड्रेस बस जो है वो मेमोरी एड्रेस को कैरी करेगा। और फिर है हमारा कंट्रोल सिग्नल, सॉरी कंट्रोल सिग्नल नहीं, फिर है हमारा कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस जो है ये कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करेगा। ओके, नेक्स्ट है, इन विच नेटवर्क टोपोलॉजी डज इच डिवाइस हैव एग्जैक्टली टू नेबर्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। यानी कि पूछ रहा है, बताइए दिए गए ऑप्शंस में ये सभी नेटवर्क टोपोलॉजी के टाइप हैं, और पूछ रहा है इनमें से कौन सा वो नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप है जिसमें कि जो है सारे डिवाइस जो है एग्जैक्टली टू नेबर्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस। तो सारे डिवाइस के पास जो है टू नेबर्स होते हैं, टू पड़ोसी होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है बस टोपोलॉजी। तो बताइए इनमें से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें कि जो है इसके सारे डिवाइस के पास एग्जैक्टली टू नेबर्स होते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। तो इन ए रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी इच डिवाइस इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेज। यानी कि रिंग टोपोलॉजी में जो है फ्रेंड्स, इसमें जो है इच डिवाइस जो है डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं एग्जैक्टली टू अदर डिवाइसेज से, जिसे कि हम लोग इसके नेबर भी कहते हैं। अब है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बसेस इन कंप्यूटर, अब है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बसेस इन कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर में जो है कितने तरह के जो है कितने प्रकार के बस होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर सिस्टम में जो है 3 तरह के बसेस होते हैं।
ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम में जो है तीन तरह के बसेस होते हैं, तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके। डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है तीन टाइप्स के बस होते हैं। पहला है डेटा बस, दूसरा है एड्रेस बस, तीसरा है कंट्रोल बस। पहला है डेटा बस, दूसरा है एड्रेस बस और तीसरा है कंट्रोल बस। तो डेटा बस जो है अभी पढ़े ही थे, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन द सीपीयू, मेमोरी एंड अदर डिवाइजेज, ठीक है। तो डेटा बस जो है रिस्पॉन्सिबल है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू और मेमोरी के बीच में। डेटा बस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है डेटा ट्रांसफर करने के लिए सीपीयू और मेमोरी के बीच में। यहाँ पे मेमोरी बोले तो रैम होगा, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब है एड्रेस बस, तो एड्रेस बस भी देखे थे हम लोग। तो इट कैरीज मेमोरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू टू स्पेसिफाई द लोकेशंस इन मेमोरी वेयर डेटा शुड बी रीड फ्रॉम और रिटर्न टू। तो हमारा एड्रेस बस जो है वो मेमोरी एड्रेस को कैरी करेगा। फिर है कंट्रोल बस, तो इट कैरीज कंट्रोल सिग्नल्स जनरेटेड बाय द सीपीयू टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज वेरियस ऑपरेशंस विद इन द कंप्यूटर सिस्टम सच एज डेटा ट्रांसफर, मेमोरी एक्सेस एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। तो अब जो है हमारा कंट्रोल बस है, अब तो कंट्रोल बस क्या करेगा, तो कंट्रोल बस जो है फ्रेंड्स कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है, सीपीयू के द्वारा टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज वेरियस ऑपरेशंस, वेरियस ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए, ओके। अब है यहाँ पे विच टोपोलॉजी इज यूज इन इथरनेट, विच टोपोलॉजी इज यूज इन इथरनेट, यानी कि इथरनेट में जो है कौन से नेटवर्क टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा है ट्री टोपोलॉजी और चौथा है मेश टोपोलॉजी। तो इथरनेट में जो है बस टोपोलॉजी का जो है इस्तेमाल होता है, ओके। तो बस टोपोलॉजी होता क्या है, तो बस टोपोलॉजी को देखा जाए तो इन बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइजेज इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टू ए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन, ऑफन रेफर टू एज ए बस और द बैकबोन। तो बस टोपोलॉजी में होता यही है कि इसमें जितने भी डिवाइसेज होते हैं नेटवर्क के, वो सभी के सभी जो है सिंगल कम्युनिकेशन से जो है कनेक्टेड रहते हैं, जिसे कि हम लोग बस या फिर बैकबोन के नाम से भी जानते हैं। तो देख रहे होंगे ये जो फिगर है ये बस टोपोलॉजी का है, एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन है और इसी से जो है सारे डिवाइस जो है कनेक्टेड है, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी का जो है आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए डायग्राम के माध्यम से। तो बस टोपोलॉजी में जो है एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन होता है, उसी से जो है सारे डिवाइसेज कनेक्टेड होते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी इन द कंप्यूटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट मेमोरी इन द कंप्यूटर। तो यहाँ पे पूछ ये रहा है कि बताइए इन सभी ऑप्शंस में जो है कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कौन सा होगा। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है सीपीयू, ऑप्शन डी है सीडी रोम। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर का जो है परमानेंट मेमोरी जो होगा वो परमानेंट मेमोरी हो जाएगा हमारा रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है फ्रेंड्स। रीड ओनली मेमोरी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंट मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। तो रोम का फुल फॉर्म देख लीजिए, तो रोम का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी, और रोम जो है हमारा वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। रोम जो है दोस्तों वो हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। डैट इज यूज प्राइमरली इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर फर्मवेयर और परमानेंट सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो रोम जो है हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में फर्मवेयर या फिर परमानेंट सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के लिए। रोम है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या आप लोग समझते हैं, तो नॉन वोलेटाइल का मतलब यहाँ पे ये यह हो जाएगा, अगर पावर कट भी हो जाए फिर भी जो है हमारा डेटा लॉस्ट नहीं होता है, ओके। और रैम जो है वो हमारा वोलेटाइल मेमोरी है, ओके। अब है हेयर आर सम की पॉइंट्स अबाउट रोम, तो रोम के बारे में जो है हम लोग अब कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला है ये नॉन वोलेटाइल होता है, दूसरा है रीड ओनली, ये जो है सिर्फ रीड ओनली का ही काम करेगा, इसमें राइट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है फर्मवेयर स्टोरेज का जो है ये काम करता है, फर्मवेयर स्टोरेज या फिर परमानेंट सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए जो है रोम का इस्तेमाल किया जाता है। तो नॉन वोलेटाइल के बारे में हम लोग अभी बताए ही थे,
कि अनलाइक रैम रोम रिटेन्स इट्स डाटा इवन वेन द पावर इज टर्न ऑफ। दिस मीन्स डैट रोम इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, रैम में क्या होता था कि पावर हम लोग का कट हुआ, पावर ऑफ हुआ तो हम लोग का डेटा लॉस्ट हो जाता था, लेकिन रोम में क्या है कि पावर कट होने के बाद भी जो है हम लोग का डाटा जो है वो रोम के माध्यम से रिटेन हो जाता है। तो इसलिए जो है रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, अब है रीड ओनली। तो रोम जो है ये बस रीड ओनली का काम करेगा। द टर्म रीड ओनली इंप्लाइज डैट द डेटा स्टोर्ड इन रोम कैन नॉट बी इजिली मॉडिफाइड और चेंज्ड बाय नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो जो भी डेटा रोम में स्टोर होता है वो इजिली मॉडिफाई या फिर चेंज नहीं हो पाता है नॉर्मल कंप्यूटर ऑपरेशन के द्वारा। अब है फर्मवेयर स्टोरेज। रोम का इस्तेमाल जो है फर्मवेयर स्टोरेज के लिए किया जाता है। तो रोम इज कॉमनली यूज टू स्टोर फर्मवेयर। ठीक है, रोम जो है कॉमनली फर्मवेयर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब है फर्मवेयर होता क्या है भाई? तो फर्मवेयर जो है इट इज ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर डेट प्रोवाइड्स लो लेवल कंट्रोल फॉर द हार्डवेयर ऑफ ए डिवाइस। तो फर्मवेयर जो है एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड्स करता है लो लेवल कंट्रोल। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस के लिए जो है लो लेवल कंट्रोल जो है प्रोवाइड करता है। दिस इंक्लूड्स द बेसिक इनपुट आउटपुट इन कंप्यूटर बूट लोडर्स एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर इन डिवाइस लाइक स्मार्टफोन टैबलेट अप्लायंसेस। तो ये जो है इंक्लूड होगा इसमें फर्मवेयर में। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा, जैसे बायोस हो गया, बूट लोडर हो गया, एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, जो कि स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया एंड अप्लियंसेस, ये सभी में एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सभी जो है फर्मवेयर के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब है रोम इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सिस्टम फर्मवेयर इन कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, गेम कार्टिजेज इन गेमिंग कंसोल्स एंड फर्मवेयर इन एम्बेडेड सिस्टम सच एज राउटर मोडेम्स एंड आईओटी डिवाइसेज। तो रोम का इस्तेमाल जो है हम लोग वेरियस एप्लीकेशन में करते हैं, जैसे कि सिस्टम फर्मवेयर, कंप्यूटर का जो सिस्टम फर्मवेयर हो गया उसमें रोम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में रोम का इस्तेमाल करते हैं, गेम कार्टिजेज में हम लोग रोम का इस्तेमाल करते हैं, एम्बेडेड सिस्टम में जो है दोस्तों हम लोग रोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आते हैं। अच्छा, अभी भी रोम के ही बारे में है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि रोम इज ऑफन यूज्ड इन बूट स्ट्रैपिंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर। तो क्वेश्चन आ जाए कि बताइए बूट स्ट्रैपिंग में जो है हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो दोस्तों बूट स्ट्रैपिंग में जो है हम लोग रोम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, VVI क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो रोम में जो है रोम के माध्यम से जो है हम लोग बूट स्ट्रैपिंग का यूज करते हैं। वेयर द सिस्टम फर्मवेयर इनिशियलाइजेज हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड लोड्स द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेमोरी ड्यूरिंग द बूट अप सीक्वेंस। तो इसमें क्या होता है, सिस्टम फर्मवेयर जो है इनिशियलाइज करता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स को और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है मेमोरी में। ठीक है, तो याद रखना सिंपल सा कि बूट स्ट्रैपिंग में जो है हम लोग रोम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब है रोम प्लेज ए क्रूशियल रोल इन द ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज बाय प्रोवाइडिंग परमानेंट स्टोरेज फॉर एसेंशियल सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन एंड फर्मवेयर। तो रोम जो है एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में, बाय प्रोवाइडिंग परमानेंट स्टोरेज फॉर एसेंशियल सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन एंड फर्मवेयर। तो ये जो है परमानेंट स्टोरेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, फॉर एसेंशियल इंस्ट्रक्शन एंड फर्मवेयर के लिए। ठीक है, एसेंशियल सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन एंड फर्मवेयर के लिए जो है रोम जो है परमानेंट स्टोरेज भी प्रोवाइड करता है, और रोम जो है हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इतना सारा कुछ हम लोगों ने रोम के बारे में देखा। तो कहा जा सकता है कि पूरा पूरी रोम टॉपिक को ही जो है हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे सेशन में जो है क्वेश्चंस भी रहेगा और साथ में उसका डिस्कशंस भी रहेगा। जब जब वो क्वेश्चन आएगा तब तब हम लोग डिस्कशन करेंगे ही करेंगे, चाहे वो डिस्कशन कितना बार भी करना पड़े, कितना भी समय लगे। ठीक है, यही तो खासियत है हमारी सेशन की। तो आप लोग यहाँ इस सेशन को, इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि MCQ के साथ जो है यहाँ पे डिस्कशन भी होता है। सिर्फ MCQ करके क्या करिएगा, डिस्कशन होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलाटाइल।
अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलाटाइल, तो इसमें से कौन सा मेमोरी जो है दोस्तों वो है वोलाटाइल मेमोरी। ऑप्शन ए है रैम, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है पीरोम, ऑप्शन डी है ई पी रोम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा रैम। तो रैम जो है हमारा वो है वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है दोस्तों। तो रैम जो है वो है हमारा वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है वो तो अभी हम लोग डिस्कस किए ही थे, आइए फिर से देख लेंगे। तो अब यहाँ पे है यही कि रैम जो है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो है इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज ए टाइप ऑफ वोलाटाइल मेमोरी यूज्ड इन कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज टू टेम्पोरली स्टोर डेटा डेट द सीपीयू नीड्स टू एक्सेस क्विकली। तो रैम जो है यह हमारा वोलेटाइल मेमोरी का टाइप है, जिसे हम लोग कंप्यूटर और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इस्तेमाल करते हैं डेटा को टेम्पोरी स्टोर करने के लिए, ताकि जो है सीपीयू जो है इसका एक्सेस क्विकली कर सके, ठीक है। रैम प्लेज ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को जो है फ्रेंड्स डिटरमाइन करने के लिए रैम जो है क्रूशियल रोल को प्ले करता है, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर सिस्टम के जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने के लिए जो है रैम क्रूशियल रोल प्ले करता है। इनसफिशियंट रैम कैन लीड टू स्लो परफॉर्मेंस। अगर हम लोगों का रैम जो है इनसफिशियंट होगा तो सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी स्लो हो जाएगा। रैम इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइडिंग फास्ट टेम्पोरी स्टोरेज फॉर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन डेट आर एक्टिवली बींग प्रोसेस्ड बाय द सीपीयू। तो रैम जो है कंप्यूटर सिस्टम का एसेंशियल कंपोनेंट होता है। क्यों होता है? तो ये जो है हम लोगों को प्रोवाइडिंग फास्ट एंड टेम्पोरी स्टोरेज, ये जो है हम लोगों को काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस और टेम्पोरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए, जो कि सीपीयू के द्वारा जो है बींग प्रोसेस्ड, जो कि सीपीयू के द्वारा प्रोसेस्ड होता है। अब है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग। अब है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग। तो पूछ रहा है बताइए इन सभी नेटवर्क टोपोलॉजी में जो है कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी में जो है केबलिंग का काफ़ी हाईएस्ट अमाउंट उसमें लगता है। ऑप्शन ए है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है मेश टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है बस टोपोलॉजी। तो दोस्तों इसका जो आंसर जो है वो हो जाएगा मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में जो है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग, यानी कि केबलिंग करने के लिए जो है मेश टोपोलॉजी में जो है काफ़ी हाईएस्ट अमाउंट लगता है। केबलिंग तो आप लोग सब समझते ही होंगे, तार बिछाना जो होता है। तो मेश टोपोलॉजी में जो है केबलिंग करने के लिए हाईएस्ट अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो आइए अब मेश टोपोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ाई कर लिया जाए, थोड़ा डिस्कशन कर लिया जाए, ठीक है। तो जिन लोगों का मेश टोपोलॉजी क्लियर नहीं है वो क्लियर भी हो जाएगा और साथ में क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया, ठीक है। द नेटवर्क टोपोलॉजी डेट रिक्वायर्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग इज मेश टोपोलॉजी। यानी कि वो नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग होता है वो जो है मेश टोपोलॉजी है, ठीक है। मेश टोपोलॉजी में जो है केबलिंग का अमाउंट काफ़ी हाई होता है। अब है इन ए मेश नेटवर्क टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। तो दोस्तों मेश टोपोलॉजी में होता क्या है? तो मेश टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइस हैं वो सारे डिवाइस एक अदर डिवाइस से जो है कनेक्टेड होते हैं। मेश टोपोलॉजी में होता क्या है? तो एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क। तो मेश टोपोलॉजी में जो है दोस्तों जितने भी डिवाइस हैं वो सारे डिवाइस एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होते हैं। दिस मीन्स डैट द नंबर ऑफ कनेक्शंस रिक्वायर्ड ग्रोज रैपिडली विद द नंबर ऑफ डिवाइस इन द नेटवर्क। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ कनेक्शंस जो है उसमें रैपिडली ग्रो करते रहता है जितने नंबर ऑफ डिवाइस होते हैं उसके साथ साथ, रिजल्टिंग इन ए सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ केबलिंग नीडेड टू एस्टेब्लिश दीज कनेक्शन, ठीक है। तो इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने के लिए जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ केबलिंग का जरूरत पड़ता है। वो इसलिए पड़ता है क्योंकि इसमें जो है जितने डिवाइस हैं वो सारे डिवाइजेज जो हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस कारण जो है मेस टोपोलॉजी में जो है काफ़ी हाईएस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग हो जाता है। एज ए रिजल्ट मेश टोपोलॉजी जनरली रिक्वायर मोर केबलिंग कंपेयर टू अदर टोपोलॉजी सच एज स्टार रिंग और बस।
तो हमारी जितने भी अदर टोपोलॉजी हैं, जैसे कि स्टार टोपोलॉजी हो गई, रिंग टोपोलॉजी हो गई, या फिर बस टोपोलॉजी हो गई, इन सभी से जो है ज़्यादा केबलिंग का ज़रूरत पड़ता है मेश टोपोलॉजी में ही, और इसलिए जो है मेश टोपोलॉजी में जो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग पड़ जाता है। और हाईएस्ट अमाउंट ऑफ केबलिंग क्यों होता है वो भी क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि एक डिवाइस जो है वो सारे दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये मेश टोपोलॉजी का ये फिगर है, यह है नोड 1, यह है नोड 2, यह है नोड 3 और यह है नोड 4। तो इसमें देख रहे हैं नोड 1 नोड 2 से कनेक्टेड है, नोड 2 नोड 4 से कनेक्टेड है, नोड 2 भी नोड 3 से कनेक्टेड है, नोड 2 1 से भी कनेक्टेड है। जैसे नोड 1 को ही ले लीजिए, तो नोड 1 हमारा 2 से भी कनेक्टेड है, नोड 1 नोड 3 से भी कनेक्टेड है, नोड 1 जो है हमारा नोड 4 से भी कनेक्टेड है। तो इस तरह से जितने भी नोड्स होते हैं दोस्तों मेश टोपोलॉजी में, वो सारे के नोड जो हैं, वो सारे नोड जो हैं एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी नोड्स हैं दोस्तों वो सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए जो है हमारा मेश टोपोलॉजी में जो है केबलिंग का प्राइस जो है काफ़ी हाई हो जाता है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा डायग्राम के माध्यम से बहुत ही अच्छे से कि मेश टोपोलॉजी में जो है केबलिंग का अमाउंट जो है ज़्यादा हाई क्यों होता है। इसलिए होता है क्योंकि इसमें जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी डिवाइजेज होते हैं, वो सारे डिवाइजेज एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोबिंग स्टोरेज डिवाइसेज डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द सीपीयू। अब पूछ रहा है बताइए इनमें से कौन सा वो डिवाइस है जो कि सीपीयू से डायरेक्ट इंटरेक्शन करता है। ठीक है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा वैसा स्टोरेज डिवाइस है जिसका इंटरेक्शन डायरेक्टली सीपीयू से होता है। ऑप्शन है एएलयू, ऑप्शन ए है एएलयू यानी कि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अब है ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्शन सी है प्राइमरी मेमोरी, ऑप्शन डी है हार्ड डिस्क। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी, इसका आंसर जो है हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी, यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो है दोस्तों वो डायरेक्टली सीपीयू से ही इंटरेक्शन करता है। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी जो है वो डायरेक्टली सीपीयू से ही इंटरेक्शन करता है, और प्राइमरी मेमोरी क्या होता है सबको पता ही होगा, हमारा रैम रोम जो भी है ये सभी के सभी प्राइमरी मेमोरी ही तो हैं। ठीक है, तो वही लिखा द स्टोरेज डिवाइस दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द सीपीयू इज प्राइमरी मेमोरी, यानी कि वो स्टोरेज डिवाइस जो डायरेक्टली सीपीयू से ही इंटरेक्शन करता है उसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब है प्राइमरी मेमोरी के बारे में, तो दोस्तों एक बार क्यों ना रिवीजन कर लिया जाए प्राइमरी मेमोरी के बारे में, जिनको पहले से आता है उनका रिवीजन भी हो जाएगा और जो लोग भूल चुके हैं उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो दोस्तों प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी को जो है हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, या फिर रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू एंड इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट द सीपीयू इज एक्टिवली प्रोसेसिंग। तो हमारा प्राइमरी मेमोरी रैम जो है, ठीक है, ये डायरेक्टली जो है सीपीयू से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और कोई भी डेटा जो है ये डायरेक्ट सीपीयू से डायरेक्ट इंटरेक्शन इसका हो जाता है। ठीक है, एंड इज यूज फॉर स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन डेट द सीपीयू इज एक्टिवली प्रोसेसिंग। सीपीयू जो है किसी भी डेटा को एक्टिवली जो प्रोसेसिंग कर रहा है उसको जो है प्राइमरी मेमोरी उस डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने का काम करता है। और प्राइमरी मेमोरी जो है इट प्रोवाइड्स फास्ट एक्सेस टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। प्राइमरी मेमोरी जो है ये सीपीयू को जो है काफ़ी फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, फास्ट एक्सेस टू डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, डेटा और इंस्ट्रक्शन के लिए जो है काफ़ी फास्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है। एलोइंग द सीपीयू टू क्विकली रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो हमारा मेन मेमोरी जो है सीपीयू को जो है अलाउ करता है ताकि जो है वो क्विकली जल्दी से रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन कर सके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त। इन कॉन्ट्रास्ट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेज लाइक हार्ड डिस्क स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज एंड आर एक्सेस्ड बाय द सीपीयू एज नीडेड बट नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सीपीयू ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हमारा सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया या एसएसडी हो गया, इस सब में भी जो है हम लोग लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए डाटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो है डायरेक्टली सीपीयू इंटरेक्ट नहीं करता है।
ठीक है दोस्तों। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी में जो है सीपीयू डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है, प्राइमरी मेमोरी में जो है सीपीयू का डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है सीपीयू के द्वारा इसमें डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होता है। तो याद रखना है इस पॉइंट को। अब है कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, कंप्यूटर ऑन ए सिंगल चिप इज कॉल्ड, ये जो क्वेश्चन है बीपीएससी एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो पूछ रहा है बताइए कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन बी है माइक्रो कंट्रोलर, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है मल्टी प्रोसेसिंग। तो दोस्तों कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होता है उसे जो है हम लोग माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होता है उसे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि कंप्यूटर जो सिंगल चिप पर होता है उसे हम लोग माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई माइक्रो कंट्रोलर होता क्या है। तो माइक्रो कंट्रोलर इज ए स्मॉल कंप्यूटर ऑन ए सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट कॉन्टेनिंग ए प्रोसेसर कोर मेमोरी एंड प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स। तो माइक्रो कंट्रोलर जो है एक स्मॉल कंप्यूटर होता है जो कि सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पर होता है, ठीक है, जो कि एक प्रोसेसर कोर मेमोरी और प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स को जो है कॉन्टेन्स करता है। माइक्रो कंट्रोलर्स आर ऑफन यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, माइक्रो कंट्रोलर का जो है हम लोग अक्सर इस्तेमाल जो है इसका एम्बेडेड सिस्टम में करते हैं। टू कंट्रोल वेरियस डिवाइजेज एंड सिस्टम, वेरियस डिवाइजेज को जो है वेरियस डिवाइजेज और सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो है हम लोग माइक्रो कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करते हैं। सच एज हाउस होल्ड अप्लियंसेस, ऑटोमोटिव सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल एंड मोर। जैसे कि हमारा हाउस होल्ड अप्लियंसेस हो गया, ऑटोमेटिक सिस्टम हो, ऑटोमोटिव सिस्टम हो गया, या फिर इंडस्ट्रियल कंट्रोल हो गया, ETC, इस सभी में जो है हम लोग माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल करते हैं। दे आर टाइपिकली डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड आर प्रोग्राम टू परफॉर्म दोज टास्क इफिशियंटली। तो माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल जो है हम लोग पार्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन करते हैं, एंड आर प्रोग्राम टू परफॉर्म दोज टास्क इफिशियंटली, और इसे प्रोग्राम किया जाता है ताकि उस टास्क को जो है ये इफिशियंटली परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट, ठीक है, विच ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी इज फास्टेस्ट। अब यहाँ पूछ रहा है दिए गए ऑप्शंस में जो है इसके अकॉर्डिंग जो है कौन से कंप्यूटर मेमोरी जो है सबसे फास्टेस्ट होते हैं, कौन से कंप्यूटर मेमोरी जो है दोस्तों सबसे फास्टेस्ट होते हैं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है रजिस्टर, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है रैम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, ऑप्शन ए है रजिस्टर, ऑप्शन बी है हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी है रैम, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो पूछ रहा है बताइए इन सभी में से जो है कौन सा कंप्यूटर मेमोरी जो है वो सबसे फास्टेस्ट होगा। तो दोस्तों सबसे फास्टेस्ट जो है हमारा कंप्यूटर मेमोरी वो होता है रजिस्टर। ठीक है दोस्तों, सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर मेमोरी जो है वो होगा दोस्तों रजिस्टर। तो आइए देखते हैं रजिस्टर क्या होता है, इसका भी डिस्कशन कर लिया जाए। तो इन ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर कॉन्टेक्स्ट ए रजिस्टर इज ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस डेट इज ए पार्ट ऑफ द सीपीयू। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जो है रजिस्टर जो है एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस होता है जो कि सीपीयू का एक पार्ट है, यानी कि जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है। ठीक है, अब है रजिस्टर्स आर द फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर। तो रजिस्टर जो है काफ़ी फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी होता है कंप्यूटर के अंदर में। रजिस्टर्स क्या है, तो रजिस्टर्स जो है फास्टेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी इन ए कंप्यूटर। तो रजिस्टर एक फास्टेस्ट और स्मॉलेस्ट टाइप्स ऑफ मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर में। दे आर यूज टू क्विकली स्टोर एंड रिट्राइव डेटा डेट इज बींग प्रोसेस्ड बाय द CPU। ठीक है, तो रजिस्टर्स जो है क्विकली डेटा को स्टोर और रिट्राइव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि सीपीयू के द्वारा जो है प्रोसेस्ड होता है। ठीक है, रजिस्टर होल्ड डेटा टेम्पोरली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। एग्जीक्यूशन के इंस्ट्रक्शन के टाइम में जो है रजिस्टर जो है डेटा को टेम्पोरली होल्ड करता है। इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के टाइम में जो है रजिस्टर्स जो है डेटा को टेम्पोरली होल्ड करता है। Allowing the CPU to perform operations on that data, ताकि जो है CPU को allow कर सके
उस डेटा पर जो है ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। रजिस्टर्स आर डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। रजिस्टर जो है वो सीपीयू के द्वारा जो है डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है। रजिस्टर्स जो है फ्रेंड्स वो सीपीयू के द्वारा जो है डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, मेकिंग देम एक्सट्रीमली फास्ट कंपेयर टू अदर टाइप्स ऑफ मेमोरी सच एज रैम और हार्ड डिस्क स्टोरेज। ठीक है, रजिस्टर्स जो है यो सीपीयू के द्वारा जो है डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है और सीपीयू को जो है फास्ट बनाने में मदद करता है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ मेमोरी, जैसे कि रैम हो गया और हार्ड डिस्क स्टोरेज हो गया। ये दोनों के कंपेयर में जो है दोस्तों रजिस्टर्स जो है सीपीयू को जो है फास्ट करने में काफ़ी मदद करता है और रजिस्टर्स जो है सीपीयू के द्वारा डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है। और याद रखना है दोस्तों हमारा जो प्राइमरी मेमोरी था जिसे हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं वो भी जो है सीपीयू के द्वारा जो है डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है। ठीक है, बस हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो है वो सीपीयू के द्वारा जो है डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन नंबर 21 से जो है हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं, तो इस वीडियो को हम लोग करते हैं एंड, फिर जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोगों को जो है हमारा सेशन पसंद आता है तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें, जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट्स मिलता रहे। हमारे सेशन पर जो है अभी कंटिन्यू बीपीएससी TRE 3-4 और STET कंप्यूटर साइंस के लिए क्लासेस चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं, फिर जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।